संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। रसमलाई तो सभी को बहुत पसंद आती है। ये 1 किलो दूध लिया है, थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम, केसर की कलियां, शुगर, काजू और पिस्ते और ब्रेड। ये गैस पे हमने दूध रख दिया है, हमने 1 किलो दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। गैस ऑन करेंगे तेज फ्लेम में। ये दूध में उबाल आने लगी है, इसे इसी तरीके से उबलते उबलते इसका दूध जब तक आधा हो जाएगा, जब तक इसे उबालेंगे और इसे चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो तले में लग जाएगा। गाढ़ा हो चुका है, इसमें डालेंगे केसर। ये थोड़ा सा गुनगुना दूध निकाल करके इसमें केसर फुला दिया था, इसको इसमें डाल देंगे। केसर से कलर अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। इसको डालने के बाद थोड़ी देर और इसको चलाएंगे। ये काजू और पिस्ता को बारीक कट कर लिया था, उसको डाल देंगे इसी में और इसको इस तरीके से चला देंगे अच्छे से। ये रसमलाई के लिए ये हमारा दूध पूरा पक कर के तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर तक। एक गिलास और कटोरी कुछ भी ले लेंगे और इसको इस तरीके से दबा करके ब्रेड का एक गोल गोल हिस्सा निकाल लेंगे ऊपर को और इसी तरीके से सारी ब्रेड को तैयार कर लेंगे। ये जब गाढ़ा हो जाए तभी इसमें डालें ब्रेड में, नहीं तो ब्रेड पूरी खराब हो जाएगी। ये ठंडा हो गया है बिल्कुल,